कहाँ है अभी वो डायरी और वो आई कहाँ से आपके पास? धर्मेंद्र राठौड़ के घर रेड पड़ी थी और ये डायरी उनके घर थी, इनकम टैक्स ईडी के हाथ लगी थी, वहाँ से निकाल के लाया था। आपको कैसे पता कि वो डायरी थी? तो फिर अभी फिलहाल कहाँ है वो डायरी? किसी जांच एजेंसी के पास क्यों नहीं? मुख्यमंत्री से बात करो, प्रधानमंत्री से बात करो, उसे जाके उनसे। फिलहाल कहाँ? आपको थोड़ी दूं। पूरा परिवार जो है वो भी कह रहा है कि आप वोट कटवा की तरह काम कर रहे हैं, आप उनके वोट ले जा रहे हैं। मेरे साथ एससी एसटी भी है, ओबीसी भी है, 36 कौम के लोग है, जाट भी मेरे साथ। तो आप वोट कटवा का काम नहीं कर रहे हैं? जो आप जीत रहा हूँ। कभी बसपा से आपने चुनाव लड़ा, कभी शिवसेना से लड़ा, इतनी पार्टियाँ क्यों बदलते हैं? मुझे पार्टी बदलने में मजा आता है। फिर से वही सवाल है कि आप बच रहे घुमा साल 2023 और जाड़ों का यही वक्त था, राजस्थान में विधानसभा चुनाव थे। उस चुनाव में नेताओं से ज्यादा एक लाल डायरी ने बहुत ज्यादा अपने लिए सुर्खियां बटोरी। लाल डायरी ऐसी कि पीएम मोदी जब रैलियां करने आते उन्होंने भी उसका जिक्र किया। आलम ये हुआ कि जो अशोक गहलोत थे उन्होंने अपने मंत्रिमंडल से उस मंत्री को बर्खास्त कर दिया। अब और इसके इस लाल डायरी के जो सूत्रधार थे राजेंद्र गुढ़ा, वो हमारे साथ मौजूद हैं। राजेंद्र गुढ़ा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका लल्लन टॉप में। लाल डायरी पर बात करेंगे, झुंझुनू के चुनाव पर भी बात करेंगे। सबसे पहला सवाल, उदयपुर भाटी से जो आपकी सीट थी वहां से क्यों हारे आप? देखिए, उदयपुर भाटी में मैं 3 चुनाव जीते थे मैंने और मेरा मूल वोट जो था तो वो शिवसेना के सिंबल की वजह से वो मेरे से दूर हो गया। वो जो मुस्लिम वोट था, कुछ एससी का वोट था, उस सिंबल की वजह से मुझे नुकसान हो गया। और दूसरा थोड़ा एक वो कि लेपर्ड सेंचुरी बनी थी, वो एक लेपर्ड सेंचुरी, तो उसमें कुछ सांबर चित्तल हिरण ये भी छोड़ने थे। वहाँ लेपर्ड तो छूट गए थे और उनका खाना जो था लेपर्ड, वो सांबर थे, चित्तल, हिरण, तो वो मुख्यमंत्री जी के मेरे झगड़े में फंस गए थे और इस वजह से वो नहीं छूटे तो वो कुछ बकरियों का, मवेशियों का नुकसान किया उन्होंने, लेपर्ड्स ने, और लोगों ने उसको इशू बना दिया। तो उसमें भी जो गुजर कम्युनिटी है, दूसरी और कम्युनिटी है जिनके मवेशी भेड़ बकरियाँ हैं, उनमें वो नुकसान। तो इस बार आपने तय किया कि आप झुंझुनू से लड़ेंगे? लड़ ही रहा हूँ। तय किया है आपने, तो वजह क्या दिख रही है कि आपने तय किया कि उदयपुर भाटी छोड़ के मैं झुंझुनू से चुनाव लड़ता हूँ? क्योंकि कुछ आलोचक हैं जो कह रहे हैं कि आप सत्ता के लालच में आपने तय किया कि यहाँ से इस बार चुनाव लड़ना है। कौन सी सत्ता है? बीजेपी की सरकार तो बनी हुई है, बीजेपी के पास 115 सीटें हैं, बहुमत की सरकार है उनकी, तो इसमें सत्ता का लालच कहाँ से आ जाएगा? तो फिर क्या वजह है, फिर आप बताइए। देखिए, झुंझुनू हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है और झुंझुनू के अंदर लंबे टाइम से ओला परिवार का, लंबे टाइम से इनका वर्चस्व रहा है और विशेषकर जाट कम्युनिटी 70 साल से लगभग यहाँ विधायक के रूप में चुनते हैं। 70 बीच में साल भर एक उपचुनाव में एक राजपूत मूल सिंह जी जीते थे, राजपूत छत्री भी जीते थे और एक बार एक मुस्लिम भी, जो दोनों ही वो भी बीच के अंदर मध्यावधि चुनाव हो गए, तो एक माहिर आजाद, बाकी लगातार यहाँ से आज़ादी के बाद ये जाट कम्युनिटी चल रही और यहाँ मुस्लिम्स और जाटों की तादाद लगभग बराबर है। और आज मुस्लिम्स के अंदर जिस तरीके से ये इन्होंने इनका राजनीति में एक वोट बैंक बना के इनको यूज किया, डर दिखा के, बीजेपी का डर दिखा के, कांग्रेस इनको हिंदुओं का डर दिखाती है, बीजेपी मुसलमानों को, हिंदू को मुसलमान का डर दिखाती है, ये राजनीति है। आपको बताना चाह रहा हूँ कि मुसलमान यहाँ अच्छी तादाद में है। एक उर्दू सब्जेक्ट के लिए विजेंद्र जी ओला 20 साल मतलब 2 बार मंत्री बन गए, ये लोग 20 साल से कॉलेज में बच्चों और बच्चों के लिए उर्दू सब्जेक्ट मांग रहे थे, जितनी जदोजहद कर सकते थे धरने दे दिए, पर्दा से वोट उन्हीं को देते, एक उर्दू सब्जेक्ट नहीं दिया उनको। इसके अलावा आप शहर के अंदर यदि जाएं तो
तो 11,000 की लाइनें, उनकी जो हालत है, सिर्फ एक चीज पर वोट दिया कि बीजेपी को रोको, बीजेपी को रोको, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया। अरब कंट्री में यहाँ के लोग ज्यादा रहते हैं, सिर्फ एक वो रास्ता है जिनसे अपने बच्चों का लालन पालन करते हैं। न इनका शिक्षा में कुछ हुआ, न नौकरियों में है, न बिजनेस में है। और जो हालत यहाँ मुसलमान की है कि एक आदमी सुबह निकलता है, कोई ठेला लेके निकलता है, कोई ऑटो लेके निकलता है, कोई मजदूरी के निकलता है, जैसे तैसे के 200-400 रुपये घर लेके आता है और उसी दिन उसका चूल्हा जलता है, हैंड टू माउथ है, हो गए सारे लोग। ये सिर्फ मुसलमानों के साथ तो हालत नहीं होगी सर, ये सिर्फ मुसलमानों के साथ है। ऐसा क्यों? इसमें ये कारण ये है कि जैसे SC ST के लोग है यहाँ, वो थोड़े बहुत नौकरियों में भी है, SC के लोगों की रिजर्वेशन की वजह से नौकरियों में ठीक स्थिति है। शेखावाटी का लोग पढ़े लिखे, तो यहाँ SC के लोग, ST के लोग नौकरियों में भी है, खेती बाड़ी उनके पास ठीक ठाक है, और उनके दूसरे विशेषकर यहाँ जाट कम्युनिटी जो है, उनका चाहे गजिटेट हो चाहे नॉन गजिटेट हो चाहे जनप्रतिनिधि हो, वन साइडेड सा है। और बीजेपी की टिकट भी उन्हीं के पास होती है, कांग्रेस की टिकट भी उन्हीं के पास होती है, पार्लियामेंट में यही होता है, असेंबली में यही होता है। ये बेल्ट है इसमें, तो इसमें लोगों के अंदर ये कास्टिज्म के प्रति भी, परिवारवाद के खिलाफ भी नाराजगी, गुस्सा है। तो आप इस चुनाव में इस मकसद, इस मुद्दे के साथ लड़ रहे हैं? नहीं नहीं, मैं इस मुद्दे के साथ लड़ रहा हूँ। ये झुंझुनू जिला जो है शेखावाटी का, यहाँ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने विजिट की थी यहाँ, और आजादी से पहले यहाँ के भामाशाह हमारे यहाँ बिरला जैसे पिरामल है, बिरला है, खूब शेखावाटी के इस बेल्ट के भामाशाह ने आजादी की लड़ाई में मूवमेंट के अंदर महात्मा गांधी को बहुत बड़ा आर्थिक सहयोग किया था। मेरी जानकारी के हिसाब से हिंदुस्तान में गांधी को सबसे बड़ा सहयोग, आर्थिक सहयोग, इस आजादी की लड़ाई में हमारे यहाँ के भामाशाह ने किया था यहाँ के। ये इसके बाद आजादी से पहले और बाद इस मातृ वतन की हिफाजत के लिए सबसे ज्यादा शहीद हमारी इस मिट्टी ने दी है। ऐसे कोई गांव नहीं जिसमें 2-2, 4-4, 5-5 स्टेचू शहीदों के न लगे हो। और यहाँ के माताओं ने जितने लाल कुर्बान देश के लिए किए हैं, देश की हिफाजत के लिए, मेरी जानकारी हिसाब से धरती के, हिंदुस्तान के किसी दूसरे टुकड़े पर इतने शहीद नहीं होंगे। तो हमने देश की हिफाजत में हम नंबर वन पर, आज़ादी की लड़ाई में हमारा जो रोल रहा, और उसके बाद आज झुंझुनू की जो स्थिति है, आप यहाँ आए हैं तो यहाँ BDK जो जिला का सबसे बड़ा अस्पताल है उसको देख के आना, जानबरू का अस्पताल भी उससे अच्छा हो सकता है। उसमें कभी घायल लोग पड़े रहते हैं, हम उठा के चले जाते हैं, एमरजेंसी में डॉक्टर नहीं होता, ICU में डॉक्टर नहीं होता, थोड़ी लाइट आ जाती है, बारिश में कम से कम 20 से ज्यादा नौजवान लड़के करंट से मर गए। यहाँ आप बग्गड़ पास का कस्बा है झुंझुनू के, 10 किलोमीटर दूरी है झुंझुनू से बग्गड़, उस रोड भले एक स्पॉट है और सड़क का, उस पर साल में कम से कम 100 मौत होती है एक्सीडेंट, कम से कम। हम उसको 4 लेन बना देते, 6 लेन बना दे और इसके बीच में डिवाइडर हो जाए तो एक्सीडेंट की से 5 साल में 500 से ज्यादा मौतें होती है, हम उसको ठीक नहीं कर पाए। ये स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी यहाँ से आई हुई चली गई, मेडिकल कॉलेज यहाँ बंद पड़ी है। आज भी आज़ादी के 78 साल बाद रेलवे फाटक के ऊपर जाम लग जाता है, फाटक बंद हो जाता है, पुलिया नहीं बना पाई। ये सर मुद्दे हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। जब हम लोगों ने बताया कि हम आपके साथ इंटरव्यू करने जा रहे हैं तो पूछा लोगों ने कि समझते हैं लोकतंत्र है, हर अपना कैंडिडेट कोई भी पार्टी से चुनाव लड़ सकता है, निर्दलीय भी लड़ सकता है, पार्टी से भी लड़ सकता है, लेकिन एक नैतिकता भी चीज़ होती है कि आप कभी बसपा से आपने चुनाव लड़ा, कभी शिवसेना से लड़ा, इतनी पार्टियां क्यों बदलते हैं? और क्या इस बार भी आपने चुनाव लड़ने के लिए किसी पार्टी से अप्रोच किया था, शिवसेना या फिर OSC के पास गए थे, या शुरू से ही तय था कि निर्दलीय लड़ना है मुझे? मुझे पार्टी बदलने में मजा आता है पर ये सही तो नहीं है ना सर, नैतिक। एक आप ट्रस्ट बिल्ड करते हैं एक पार्टी के साथ, रहते हैं उसके वैल्यूज के साथ, कनेक्ट करते हैं, क्या वजह, क्यों मजा आता है आपको?
मजा आता मुझे पार्टी बदलने में, कोई तो वजह होगी। इस पार्टी का अनुभव ले लिया, इसका भी ले लिया, ऐसे लेता रहता हूँ। किस पार्टी का अनुभव सबसे अच्छा था? देखिए आपको बताऊ, यहाँ विधानसभा की स्पीकर रहे सुमित्रा सिंह जी, यहाँ से झुंझुनू से 9 बार चुनाव जीते हैं सुमित्रा सिंह जी, 9 बार। वो कांग्रेस की विधायक होती थी, फिर वो लोकदल की विधायक हुई, फिर वो जनता दल से ऊर्जा मंत्री बनी, फिर वो बीजेपी में जाके और विधानसभा स्पीकर बनी बीजेपी में जाके, और उसके बाद वो फिर कांग्रेस में आ गई, फिर आम आदमी पार्टी हो गई, और अभी वो जिंदा है। 94 के लगभग 95 के आसपास उनकी एक ही क्वेश्चन, उनसे भी कर लेना एक बार तो जी। दूसरा यही कि हमारे नेता शीश राम जी जो कांग्रेस छोड़ के तिवाड़ी हो गए थे, तिवाड़ी कांग्रेस से लड़े, जीते, केंद्र में मंत्री बने, निर्दलीय भी लड़े। फिर ये हमारे सरवण जी हैं कांग्रेस के विधायक, कभी निर्दलीय लड़े, कांग्रेस से भी लड़े। तो यहाँ एक ऐसा नेता बताओ मुझे जो ये हमारे यहाँ हमारे लोगों के भी भाजपा से मेरी नहीं बनती, विचार मेरा विचार भाजपा से मेल नहीं खाता। और इसके अलावा जो राजेंद्र गुड्डा अब खुद अपने आप में पार्टी है, मैं टाइटल हूँ, 50-60 हजार वोट बिना जाति बिना परिवार बिना पार्टी के लेता हूँ, और कोई दूसरा नेता तो बता दो। ये विजेंद्र जी ओला परिवार की राजनीति करते हैं, शीश राम ओला जी के बेटे हैं, और जाट कम्युनिटी बड़ी है संख्या में। अभी तो सर साधने की कोशिश कर रहे हैं कि मुस्लिम वोट बैंक जितना आप अपने भाषणों में आपको लगता है वो टोपी पहनकर जाते हैं, आप उन लोगों को अभी थोड़ी देर पहले आपने हित साधने की कोशिश की कि मुसलमानों का कोई भला नहीं हो रहा है, तो आप भी तो एक टारगेटेड राजनीति कर रहे हैं। राजनीति मूंगफली बेचूंगा क्या? वोट को साथ दूंगा ही, ये मेरा प्रोफेशन है, वोट को साथ दूंगा, कैसे सेट होगा, कोशिश तो करूंगा ही जी। राजनीति में जब आपका ऐसे करियर ग्राफ आता है तो सबसे ज्यादा मुझे लगता है जो हाई पॉइंट होगा वो आपका 2023 था, जो एक डायरी आपके हाथ लगी, कहाँ है अभी वो डायरी और वो आई कहाँ से आपके पास? देखिए आपको एक बात बताऊं, ये नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है, उन्होंने बोला है, गृह मंत्री अमित शाह ने भी बोला है, और आरसी का जो चुनाव मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे ने लड़ा उसमें जो करप्शन के जो सबूत थे मैंने मीडिया के सामने दिए थे, मैंने दिए थे मीडिया के सामने, तो उस पर भाजपा की सरकार बन गई, कार्रवाई करनी चाहिए। अशोक गहलोत जी की सरकार को मैंने 6-6 ML दिए दो बार जी। 8 में और 18 में लीडर में ही था, 6 विधायक दिए थे, दोबारा भी दिए थे, और जब उनकी सरकार संकट में आई गिर रही थी तो राजेंद्र गुड्डा फ्रंट फुटकर बचाने वालों में था ये, और एक महिला के मामले में हाउस के अंदर हम कांग्रेस हम सरकार हम सत्ता पक्ष में थे, कांग्रेस के लोग सत्ता पक्ष के लोग बेल में चले गए, आप यदि जानते हैं मामले को, बेल के अंदर सत्ता पक्ष के लोग कभी नहीं जाते, हम जाते तो विपक्ष के भी नहीं है, बहुत विशेष परिस्थिति में विपक्ष जाता है, विपक्ष के भी समझदार लोग बेल में नहीं जाते, सत्ता पक्ष बेल में कभी नहीं जाता, कभी नहीं जाता। और जब सत्ता पक्ष के लोग बेल में चले गए मणिपुर की घटना को लेकर, कि मणिपुर के अंदर ये हो गया वो हो गया, एक महिला की अबला की इज्जत का फलाना जो भी, तो मैंने इतना ही तो कहा था हमारे राजस्थान में महिलाओं के साथ नाबालिग बच्चों के साथ जिस तरह के अत्याचार हो रहे थे उनके साथ, और जो संख्या बढ़ती जा रही थी, तो मैंने कहा मणिपुर की चिंता क्यों कर रहे हो, अपने गिरेबान में जाको, राजस्थान को तो ठीक कर लो। इस बात पर मुझे बर्खास्त कर दिया, मेरा रिजाइन मांग लेते, मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार होता है किसको रखे किसको नहीं रखे, रिजाइन नहीं दू तो बर्खास्त करते, बर्खास्त करते। तो बर्खास्त करने का कारण ये था कि आपने आवाज उठाई थी, वो तो सब सारी मीडिया चीख चीख के बोल रही थी, से एक 4 घंटे में कर दिया, 4 घंटे ही नहीं लगे होंगे,
मतलब जैसे मैंने बोला उस तरह 4 घंटे में मुझे बर्खास्त कर दिया, यही कारण था। और ये डायरी आई कहाँ से थी आपके पास? अब आप मीडिया देखते तो आपको जानकारी रह सर, आपके मुंह से सुनेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। देखिए मुख्यमंत्री जी के विश्वस्त रहे धर्मेंद्र जी राठौर, मेरी भी उनसे संपर्क संबंध है मेरी उनसे, तो मुख्यमंत्री जी उनके घर जब ये सरकार का संकट आया था, 19 विधायक ओला जी भी उनमें थे, 19 विधायक जब चले गए थे, दिल्ली चले गए, मांडेसर चले गए, उसके पीछे धर्मेंद्र राठौड़ के घर रेड पड़ी थी और ये डायरी उनके घर थी, इनकम टैक्स ईडी के हाथ लगी थी, वहां से निकाल के लाया था मैं। आपको कैसे पता कि वो डायरी थी वहां? सीएम ने भेजा था मुझे। और आप वो पूरा प्रोसेस, मतलब आप कह, ये भी कहा जाता है कि वो आप बरगला रहे हैं, इतनी बड़ी सिक्योरिटी तोड़ के आप कैसे अंदर जा सकते हैं? सबको पता है, ऐसा सरेआम हुआ था, रात को हुआ था क्या, 200-250 उसमें मेरे साथ और भी थे, रामलाल जाट भी था, और भी लोग थे, सरेआम हुआ था, वो तो दिन में था। हाँ, यदि दिन में सिविल लाइन्स में कोई घटना होती है, सिविल लाइन्स के अंदर जहाँ गवर्नर बैठता है, जहाँ सीएम बैठता है, और दिन के अंदर जहाँ रेड हो रही है, वहाँ कोई घटना हुई है तो छुपी रहती है। तो फिर अभी फिलहाल कहाँ है वो डायरी, किसी जांच एजेंसी के पास क्यों नहीं है? वो आप पूछो उनसे कि वो उनकी सरकार केंद्र में, उनकी जयपुर में, राजस्थान में सरकार है, तो उसको डायरी के ऊपर तो क्वेश्चन, पीएम से, मुख्यमंत्री से बात करो आप, उनके पास है, तो मुख्यमंत्री से बात करो, प्रधानमंत्री से बात करो कि आप कह रहे थे ये लाल डायरी, जेल जाएंगे, हमने सबूत दे दी, क्या है, पूछो जाके उनसे। और वो डायरी तो आपके पास थी ना, आपने किसी को सुपुर्द की? मैंने तो मीडिया में भी दी है। और ये फिलहाल कहाँ है? आपको थोड़ी दूं, मुझे चाहिए नहीं, मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि किसके पास रखी है वो। देखिए मैं आपको बताऊँ, इसके मामले में आप थोड़े पीछे के फुटेज देखेंगे तो सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगी, और इसमें मैं आगे लेट भी हो रहा हूँ थोड़ा। मैं समझ रही हूँ सर, मुझे पता है लेट हो रहे हैं जनता, बस एक दो सवाल और बचे हैं। फिर से वही सवाल है कि आप बच रहे घुमा घुमा कि एग्जैक्टली किसके पास है सर वो डायरी, मतलब आपने क्यों नहीं सुपुर्द कर दिया, आपने किसी के पास, किसी जांच एजेंसी के पास? आपको एक बात बताऊं, मीडिया को मैंने दिया था ना, और मैंने बाप और बेटे, मुख्यमंत्री उसके बेटे पर सीधे सीधे जो आरोप थे डायरी के अंदर, पैसे का लेन देन, कराओ ना कार्रवाई। तो फिलहाल वो आपके पास ही है मुझे ऐसा लगता है। नहीं, नहीं, जो पन्ने आउट हुए थे उस पर कार्रवाई कराई ना सर, तो उसमें पन्नों में और भी मसला होगा, और भी मैटर होंगे, बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप आपने बताए थे। आपको 323-324 की या 25 की जो आपको जो एक 33 के लिए आपको जो कुछ दिया है, पहले आप उस पर कार्रवाई करो ना, फिर बाकी का और मटेरियल रिलीज करेंगे। करो तो सही, आपके पास जो है उस पर कार्रवाई करो ना, जो आपको दे दिया, और ये मटर की तफ्तीश बाद में कर लेना, हाफ मटर आपके पास है इसकी तफ्तीश करो ना, आप इसका चालान करो ना, इस पर कार्रवाई करो ना, क्यों नहीं कराते? तो ये मसला आप दबा चुके हैं कि या फिर अभी आपको लगता है कि टाइम आएगा तो फिर से इस मुद्दे को उभारेंगे? टाइम वो आगे देखो, क्या असेंबली में जाऊंगा तो बात करूंगा इस मामले में। अच्छा, असेंबली में जा रहा हूं मैं। जा रहे हैं? जा रहा हूं। ठीक है। अभी ये है कि जो ये अपना झुंझुनू का सीट है, ओला परिवार का गढ़ रहा है, आपको क्या लगता है कि इस बार लोग आप पर भरोसा जताएंगे, क्योंकि आप दूसरी जगह से आते हैं और पहली बार आप यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, आपको वोट मिलेगा वो मुस्लिम का? ओला परिवार तीसरे नंबर पर गया। पहले पे पता रहो, सुन लेना मेरी बात, तीसरे नंबर पर गया, मेरे से आधे वोट आ जाए ना ओला जी के तो आप मुझे फोन करना, मैं आपको फोन करूंगा, मेरे से आधे वोट आ जाए तो तीसरे नंबर पर है मुख्यमंत्री, दूसरी बार है आप अभी यही हैं सुल्ताना में, और यहाँ नॉमिनेशन करवा के गए हैं, वो सारी सरकार यहाँ पड़ी है, पूरी सरकार, और इसमें फाइट मेरे और बीजेपी के बीच में चल रही है, 23 तारीख को आपको पता चल जाएगा, पहले भी चल जाएगा, आप लोगों में जाओगे, पूछोगे, बात करोगे, पता चल जाएगा, मैं जीत रहा हूँ चुनाव, अच्छे वोटों से जीत रहा हूँ। और इस बार ओला परिवार जो है वो भी कह रहा है कि आप वोट कटवा की तरह काम कर रहे हैं, आप उनके वोट ले जा रहे हैं, ऐसा है क्या? आज तक ओला परिवार कभी रोड पर नहीं आया, सुते सुते चुनाव जीते, पार्लियामेंट चुनाव में मुसलमान से वोट मांगने के लिए गए ही नहीं, घर घर हो रहे हैं,
पुत्र वधु भी हो रही है, राजबाला जी भी हो रहे हैं, ओला जी खुद भी हो रहे हैं, पूरा परिवार लग रहा है। कभी नहीं लगा, कभी नहीं लगा। और जो हालत है आप यहाँ से घुस जाना, ये पूरा 40,000 मुसलमानों के वोट तो शहर के अंदर ही है, पूछ लेना जाके, पता चल जाएगा आपको, दिखाना क्या है। तो मतलब ऐसा लग रहा है कि जो वो मुस्लिम वोट बैंक था, जो कुछ नहीं करते करते ओला परिवार को वोट देता था, वो इस बार आप में अपनी आवाज देख रहा है और आपको वोट देगा। डेफिनेट देगा, डेफिनेट। और वोट नहीं दे रहे मुझे, मुझे चुनाव के लिए खर्चा भी दे रहे हैं, मेरे चुनाव में आर्थिक मदद भी कर रहे हैं। चलिए, राजेंद्र गुढ़ा जी का कॉन्फिडेंस है कि मुस्लिम वोट बैंक जो है वो उनके साथ है, उनके साथ वो आर्थिक रूप से भी मदद कर रहा है और पूरे मन के साथ। मुस्लिम नहीं, मेरे साथ एससी एसटी भी है, ओबीसी भी है, 36 कौम के लोग है, जाट भी मेरे साथ। तो आप वोट कटवा का काम नहीं कर रहे हैं जो आप? मैं जीत रहा हूँ, वोट नहीं काट रहे हैं आप अपना। मैं जीत रहा हूँ, ये काट रहे मेरे वोट, ये आपके वोट काट रहे हैं? विजेंद्र रोड़ा जी मेरे वोट काट रहे हैं। और बीजेपी? बीजेपी थोड़ी, वो तो मेरी फाइट में, क्या काटेगी, वो तो लड़ ही रहे मेरे साथ। विजेंद्र रोड़ा 5-10% वोट काट रहे हैं, वरना मुकाबला आपके और बीजेपी के बीच में है। गए वाला जी, आधे वोट आ जाए तो बता देना मुझे, आधे आधे वोट आ जाए आधे मेरे से। ठीक है, इसी के साथ ये बातचीत खत्म करते हैं। बाकी सर 2 मिनट, मुझे पता है आपको अर्जेंसी है सर को। ठीक है, बहरहाल जब नतीजे आएंगे उसके बाद पता चलेगा। जैसा सर का दावा है कि ओला परिवार के अगर इनसे आधे वोट भी आ जाएं तो हम इनसे संपर्क करेंगे, दोबारा बातचीत करेंगे। आपको ये पूरी बातचीत कैसी लगी हमें जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। मेरा नाम है उपासना, कैमरे के पीछे है मोहन, आप देख रहे हैं लल्लन टॉप की चुनावी यात्रा। शुक्रिया।